ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम 19 अगस्त की श्रोतान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। किसी को प्यार दो, किसी को शक्ति दो, मुझे वापस में क्या मिलेगा, रिटर्न में मुझे क्या मिला। और यहीं पे हम फंस जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुम यहीं पे अटक जाते हो कि मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मुझे प्यार नहीं दिया, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, उसने मुझे देखा भी नहीं, उसने मुझे पूछा भी नहीं, उसने मुझे सहयोग भी नहीं किया। जब मैं उस हालत में था तो जब वो उस हालत में था तो मैंने उसको हेल्प करी, लेकिन जब मैं उस हालत में आया, किसी हालत में आया, तो उसने मेरी हेल्प नहीं करी, अब मैं भी नहीं करूँगा। और परमात्मा कहते हैं बस यहीं पर तुम रुक गए और यहीं पे तुम्हारा कोटा, तुम्हारा बैंक बैलेंस खुशी का, प्रेम का, शांति का, शक्ति का खत्म हो गया। तो क्यों ना ये जो आपस में इंसानों की लेन देन है उसके बीच में परमात्मा को डाल दें। मतलब कि लिया परमात्मा से, दिया इंसान को, कैसा रहेगा वो। हमें जब दुनियावी चीज़ों की इच्छाएं जब बहुत ज़्यादा होती हैं तो फिर हम वो मेरे तेरे में फंसना शुरू होते हैं। लेकिन हमें अगर दुनियावी की इच्छाओं की इच्छा कम हो जाए, परमात्मा से सारी प्रेम सुख शांति की इच्छा जुड़ जाए हमारी उनसे, तो फिर ये दुनियावी चीज़ें या दुनियावी लोगों से वो चीज़ें जब वापस भी ना आए, तब भी हम लोगों को हम प्यार दे पाते हैं, दुनिया को हम सुख शांति दे पाते हैं, या दुनिया के बारे में एटलीस्ट हम अच्छे संकल्प कर पाते हैं। हम किसी को नीच, कपटी, लालची, झूठा, ये चीज़ें हम बोलते नहीं उनको, क्योंकि हमें उनसे कुछ अच्छा नहीं है। हमें परमात्मा से जो मिलना था हमें वो मिल गया, और हमें और भी अच्छे से मिल रहा है। कोई हमसे कुछ ले नहीं सकता। जो भाग्य में है वो मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है। और भाग्य से ज़्यादा भी है ना समय से पहले, और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिलता है ना कभी किसी को मिलेगा। और जो हमारा है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है, और जो हमारा नहीं है वो हमें कभी मिल नहीं सकता है। सिंपल सी चीज है, हमारे कर्मों के हिसाब से है, तो फिर क्यों डरना। हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर बाबा। जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं उतना और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। तो या तो हम अपने मतलब से बांटें उनको ताकि उधर से भी कुछ मिले, इसलिए हम उनके लिए बांटें, उनको प्यार दें, उनको खुशी दें, उनको सहयोग दें, और वहाँ से जब आना बंद हो जाए तो हम भी बंद कर दें। ये फिर परमात्मा का प्यार नहीं हुआ, ये हमारा ही मन का बनाया हुआ प्यार था जो कि मतलब वाला प्यार हो गया। लेकिन जो हम परमात्मा से लेकर के प्यार और को देते हैं उसमें हमें कोई इच्छा नहीं होती कि वहाँ से भी कुछ रिटर्न में आए। वो प्यार सच्चा प्यार होता है, उसमें झूठ नहीं होता है, उसमें कुछ लेन देन नहीं होता, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं रखता है। और आज दुनिया में हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो खुद का जनरेट किया हुआ दुनियावी प्यार है। चाहे वो आप गिफ्ट की तरीके से दें, चाहे आप किसी को खिलाने पिलाने के लिए ले जाएं बाहर। आज इंसान वही समझता है कि इसने मेरे को खिलाया पिलाया नहीं, मैंने इसको इतना खिलाया पिलाया, इसने मुझे क्या खिलाया पिलाया, इसको इतना मैंने घुमाया, इसने मुझे घुमाया नहीं, इसके लिए मैंने इतना स्पेंड किया, इसके ऊपर धन संपत्ति इसने मेरे नहीं किया, मैंने इसको गिफ्ट दे के दिया, इसने मेरे को सस्ता वाला गिफ्ट दिया। और यहीं पर इंसान अटक जाता है, क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा लिया हुआ प्यार नहीं, वो आपस में ही बंधनों वाला प्यार है। परमात्मा कहते हैं फिर मेरा वाला प्यार क्या है। आप किसी को गिफ्ट कितने समय तक दोगे, किसी को आप खिलाने पिलाने कितने समय तक लेके जाओगे, लेकिन किसी को अगर आप उसके गुण, उसकी शक्तियाँ, उसके टैलेंट्स, उसकी खूबियों को अगर आप याद दिलाते, उसकी सराहना करते हैं, तो वो जिंदगी भर तक रहता है। राइट और रॉन्ग सोचिए, बताइए सोच करके। वो उसके साथ जिंदगी भर रहता है। आप एक बच्चे को उसको धन संपत्ति दे सकते हो, उसको आप एक तरफ से गुण दे सकते हो, उसको टैलेंट्स दे सकते हो, उसकी खूबी, उसकी अच्छाइयों के बारे में बात कर सकते हो। कौन सी चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहेगी उसको, वो गिफ्ट कि वो जो आपने उसके बारे में बोला था तेरे अंदर ये टैलेंट है। जब सिचुएशन आएगी तो उसको वो गिफ्ट याद आएगा कि वो सिचुएशन आएगी तो उसको वो उसका टैलेंट याद आएगा। जब प्रॉब्लम आएगी उसको वो गिफ्ट्स याद आएंगे, वो जो आपने दिए थे, खिलाया पिलाया था, घुमाने ले गए थे, कि जब सिचुएशन आएगी तो उस समय उसके आपने जो बताया था, तुम्हारे अंदर सहन करने की शक्ति है, तुम्हारे अंदर विजडम है, तुम बहुत फटाफट कोई भी सोल्यूशन निकाल सकते हो, तुम ठंडे दिमाग वाले हो, उसको वो बातें याद आएंगी कि उसको वो गिफ्ट याद आएगा, उसको वो डिनर याद आएगा, उसको वो डांस याद आएगा, उसको वो कॉन्सर्ट याद आएगा। क्या याद आएगा, आंसर में लिख के बताइएगा, आप सोचिए जरा। तो हम इन चीज़ों को हम अलग करें तो ये बेटर रहता है, क्योंकि विजडम जो रहती है वो हमेशा के लिए रहती है, और जो खान पान हुआ, गिफ्ट वगैरह दिए, कपड़े वपड़े खरीद दिए, वो कुछ समय के लिए रहते हैं, उसका इंसान भी भूल जाता है, वो दिन भी भूल जाता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं उतना और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। प्यार बांटना, आप समझिए कौन सा वाला प्यार होता है, ये वाला गिफ्ट वाला नहीं, दूसरा वाला। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, जैसे अनुभव होता है, क्यों, क्योंकि हम जब देखते हैं औरों को सच्चा प्यार, मतलब वाला नहीं, किसी को खिलाया पिलाया तो उसने मुझे खिलाया पिलाया नहीं तो दुखी हो गए या बुरा मान लिया, वो इसका मतलब प्यार नहीं था। वो ऐसे अनुभव होता है जैसे हम भरपूर हैं, क्योंकि हम जब वो प्यार देते हैं, किसी के टैलेंट्स, किसी की खूबियाँ बताते हैं, किसी को हम हेल्प करते हैं उनको सिचुएशन से बाहर निकालने के, तो हम खुद भी बहुत वाइज होते जाते हैं, विजडम बढ़ती जाती है हमारी। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो, है ना। एक कदम में प्यार दो, परमात्मा का हम जो दिया प्यार दिया उनको, उनकी खूबियाँ बताएं, उनकी खुशियाँ बताएं, उनकी खुशियाँ बढ़ाई, उनको हमने सहयोग दिया और मिला किससे, बार बार परमात्मा से। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, जो कि सत्य है।
तो किसको बाप द्वारा प्यार दिलाओ, किसको शक्ति। शक्ति मतलब क्या हो गया, सहन कैसे करना चाहिए सिचुएशंस को, सामना कैसे करना चाहिए सिचुएशंस को, कैसे निर्णय करना चाहिए, क्या राइट क्या रॉन्ग हो सकता है, परखना कैसे है क्या सही है, क्या बोलना सही है क्या बोलना सही नहीं है। ये किसी को अगर आप शक्ति देते हो, विजडम शक्ति, तो फिर जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे, यही विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। आज दुनिया वाले सेवा कर रहे हैं, धन दौलत बांट रहे हैं, लेकिन वो कुछ समय के होता है, लेकिन ये जो सेवा है ये विशेष आत्मा की सेवा है, जो कि सदा काल के लिए उस आत्मा को याद रहेगी, और जब भी उसके सामने सिचुएशन आएगी उसको याद रहेगा कि अरे हाँ उस समय वो बताया था ये मेरे अंदर तो खूबी है, मैं तो क्यों ना ये टैलेंट यूज़ करूँ, क्यों ना मैं ये टॉलरेंस को यूज़ करूँ, क्यों ना मैं पेशेंस को यूज़ करूँ, क्यों ना मैं थोड़ा चुप रह जाऊँ, क्यों ना मैं ये इसको बिल्कुल सहन करते हुए समझाऊँ उनको प्यार से। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी, इसमें आप भी सीख सकते हैं और बांट सकते हैं प्यार और शक्ति। हम शांति सकते हैं।